स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज हम बनाएंगे हरे भरे कबाब, जिसके लिए हमें चाहिए पालक। पालक मैंने 250 ग्राम लिया है। इसके बाद चाहिए आलू, आलू को मैंने मैश कर लिया है, ये छोटे दो मीडियम साइज के आलू हैं। इसके बाद चाहिए हमें ये ब्रेड क्रम्स, यानी ब्रेड को मैंने पीस लिया है मिक्सी में। और इसके बाद चाहिए बेसन, बेसन है ये 3 से 4 चम्मच छोटी वाली। ये कस्तूरी मेथी है, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। फ्रेंड्स, अब इसको बनाते हैं। ये सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने पानी पहले ही गर्म कर लिया था। अब हम पालक को बॉईल करेंगे, यानी हमें ज्यादा बॉईल नहीं करना, केवल थोड़ा सा ही करना है। ये मैं पालक डाल रही हूँ इसके अंदर, और पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, आप भी कर ले क्योंकि इसके अंदर मिट्टी रह जाती है ये। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, ये अच्छे से बॉईल हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा पालक उबल चुका है। हमें ज्यादा नहीं उबालना है क्योंकि फिर इसका कलर सारा बेकार हो जाएगा। और ये अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, और इसको निकाल के मैंने चिल्ड बॉर्डर रख रखा है, और उसके अंदर ये पालक डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने बाउल में चिल्ड बॉर्डर रखा हुआ था, ये अब मैं इसके अंदर पालक डाल दूंगी। ये सारे मैंने निकाल लिए, और इसको केवल 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी पानी में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चिल्ड वाटर में डाल दिया था, आपको भी तैयार रखना है। और फिर इसके बाद इस तरीके से इसको निचोड़ के निकाल लेना है, यानी इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। चिल्ड वाटर में मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि ये ज्यादा ना पके और इसका रंग ऐसा का ऐसा ही रहे, यानी ग्रीन ही रहे। ये देखिए, ये मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर से निकाल लिया है। ये मैंने एक जार ले लिया है, जार के अंदर ये मैं पालक डाल रही हूँ, और इसके बाद थोड़े से मैं धनिया पत्ती डालूंगी और इनको अच्छे से पीस लूंगी। यानी हमें ध्यान रखना है, हमें ज्यादा पानी नहीं डालना, मैं इसमें थोड़ा सा पानी यूज करूंगी। और इसको अब मैं इसको पीस लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये धनिया और पालक का पेस्ट पीस के तैयार हो चुका है। आइए अब आगे का काम करते हैं। अब मैं गैस ऑन करूंगी, और इसके अंदर जो बेसन लिया है, ये बेसन मैंने 3 छोटे चम्मच लिया है, अब मैं इसको डालूंगी और हल्का सा इसको भूनूंगी, यानी हल्का ब्राउन करूंगी इसको। फ्रेंड्स, ये देखिए, बेसन हमारा भून चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और एक दूसरा पैन लूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने पैन ले लिया है, अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। ये गैस ऑन कर लिए, अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच में ऑयल डालूंगी और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं थोड़े सा जीरा डालूंगी, और उसके बाद ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी, और इसको 2 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। इसके बाद मैं ये हरी मिर्ची डाल दूंगी बारीक कटी हुई, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद थोड़ी सी आधी चम्मच मैं लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, और जो हमने पेस्ट बना के तैयार करा था पालक का, वो अब मैं इसके अंदर डालूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट पकाऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पालक हमारा पक चुका है अच्छे से। जो मसाले मिलाए थे वो अच्छे से इसके अंदर पक चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी और गैस बंद करूंगी, और इसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी। पेस्ट अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर मैं बेसन मिलाऊंगी जो मैंने भून के रखा हुआ था, और उसके बाद ये उबले हुए आलू हैं, ये मैंने 2 लिए थे, ये मिलाऊंगी।
इसके बाद थोड़ी सी कत्तूरी मेथी डालूंगी मैं और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और नमक एक चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कम या ज्यादा। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसको। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब मैं इसकी टिक्कियां बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए अब मैं ये टिक्की बना रही हूँ इसकी। हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और ये ब्रेड क्रम्स है, ये मैं इसके अंदर इस तरीके से इसको पूरा लपेट दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगाने तो आप लगाना, नहीं तो आप ऐसे ही इसको सेक सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं सारी टिक्कियां बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने टिक्कियां बना के तैयार कर ली है, अब इनको मैं शैलो फ्राई करूंगी। ये मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं गैस ऑन करूंगी। गैस मैंने ऑन कर दी है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ज्यादा नहीं थोड़ा ही डालूंगी और इस तरीके से चारों तरफ फैला दूंगी। और ये टिक्कियां हमें थोड़ी हाई फ्लेम पे ही सेकनी है क्योंकि अंदर इसका सारा जो भी मसाला है वो सिका हुआ है और ये हमें हाई फ्लेम पे ही सेकनी है। अब ये देखिए ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं एक एक करके ये टिक्की रख दूंगी। ज्यादा नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी ही रख रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ये कबाब सिक चुके हैं, दोनों तरफ से मैंने ऐसे पलट लिए थे। ये देखिए ये काफी अच्छी तरह से सिक चुके हैं, अब मैं इनको निकाल के प्लेट में सर्व करूंगी। ये देखिए ये मैंने प्लेट में सर्व कर लिए और ये बनके रेडी है हरे भरे कबाब। अगर आपको मेरे ये कबाब पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।